दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों को मुर्गा बनाने से लेकर के घरों में जाके ऐलान करने तक पुलिस हो या प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है लोगों को ये इत्तला दे कि कम से कम अपने घरों में रहें, 21 दिनों तक बाहर ना निकलें। लेकिन वहीं लोग हैं कि बाहर निकल करके घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं जैसे संडे की छुट्टी हो। कोरोना वायरस की वजह से 21 दिन का भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन उसकी वजह से गरीबों के ऊपर काफी बड़ी आफत आ चुकी है। जी हाँ, उनके बयान के मुताबिक उनके घरों में खाने को कुछ भी नहीं है। वहीं सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जहां ये दिखाया जा रहा है कि बाजार जाते हुए लोगों को पुलिस बुरी तरीके से मार रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन बयान के बाद हमने बहुत से लोगों को रातों को निकलते हुए देखा अपने घरों से ग्रोसरी खरीदते हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लीडर योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद भीड़ का हिस्सा बने और मंदिरों में जाते हुए दिखाई दिए। भारत में कोरोना वायरस के केसेस कुल मिलाकर के 640 के करीब पहुंच चुके हैं और वहीं 13 मौतें हो चुकी हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। वहीं दूसरी तरफ चाइना तारीफ करता हुआ दिखाई दिया भारत की और उनके बयान के मुताबिक भारत जल्दी लड़ सकेगा कोरोना वायरस बीमारी से। वहीं कुछ बड़े साइंटिस्ट के मुताबिक भारत मई के महीने तक कुल 13 लाख के कोरोना वायरस के केसेस देख सकता है और साइंटिस्ट आगाह कर रहा है भारत को कि अपने लॉकडाउन की हालत को बरकरार रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मरने से बचाया जा सके इस बीमारी से। भोपाल में कुछ मुसलमान भाइयों ने रोटी बैंक बोल करके एक स्टॉल खोला है, जहां पे वो लोगों को फ्री में खाना बांट रहे हैं। इस वक्त ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि लोग इस वक्त काफी बुरे हालात से गुजर रहे हैं, उनको खाने पीने की जगह नहीं है और जो लोग घर जाना चाहते हैं उनके लिए बस, ट्राम, टैक्सी कुछ अवेलेबल नहीं है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोग तारीफ करने से नहीं थक रहे, वहीं कह रहे हैं ये कोरोना वायरस की क्या औकात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वायरस को कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। आइए सुनाते हैं उनका बयान। मुझे मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि हमारे मोदी जी इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे, क्योंकि जब मोदी जी ने रोजगार खत्म कर दिया, जीडीपी को खत्म कर दी, संविधान को खत्म कर दिया, यहां तक के हमारे देश के भाईचारे को भी खत्म कर दिया, तो फिर ये कोरोना वायरस तो क्या चीज है यार। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा बुरी हालात इस वक्त इटली की है। इटली में रोज 650 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं और अभी तक के 7,500 तक के लोग वहां मर चुके हैं। अपने आप को घर में रहने की नसीहत इटली के प्राइम मिनिस्टर भारत और दुनिया भर में फैला रहे और कहना चाह रहे हैं कि जो गलती हमने करी वो आप अपने लोगों से ना करवाएं। खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।